हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मुद्रा के काव्य इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले हम लोग मुद्रा क्या है, मुद्रा के गुण क्या है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। मुद्रा आज का जो युग है वो मौद्रिक युग कहा जाता है। इस युग के विकास में मुद्रा के कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोफेसर किन्ने ने मुद्रा के कार्यों को तीन वर्गों में बांटा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य अथवा सहायक कार्य, या इसको गौण कार्य भी कहते हैं, और तीसरा है आकस्मिक कार्य, कंटिंजेंसी फंक्शंस। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत दो प्रकार के कार्य लिए गए हैं, पहला है विनिमय का माध्यम और दूसरा है मूल्य का माप। सबसे पहले देखिए विनिमय का माध्यम। मुद्रा का एक जो महत्वपूर्ण कार्य है वो विनिमय का माध्यम है। इसका अभिप्राय यह है कि मुद्रा के रूप में व्यक्ति अपनी वस्तु को बेचता है और दूसरी वस्तु को मुद्रा के माध्यम से खरीदता है, अर्थात मुद्रा क्रय और विक्रय दोनों के मध्य एक मध्यस्थ का कार्य करती है। आप लोगों ने देखा था कि वस्तु विनिमय की एक प्रमुख कठिनाई दोहरे संयोग का अभाव, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स था। तो इस ये जो कठिनाई है वो मुद्रा ने खत्म कर दी है, मतलब कमोडिटी इज एक्सचेंज्ड फॉर मनी एंड देन मनी इज एक्सचेंज्ड फॉर कमोडिटी। तो मुद्रा है वो एक विनिमय का कार्य करते हैं, और विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा तभी कार्य कर पाती है जब इसे सामान्य रूप से लोग स्वीकार करते हैं, और इसके कारण ही बहुपक्षीय व्यापार भी संभव हुआ है। दूसरा जो कार्य है मुद्रा का वो है मूल्य का मापदंड। मुद्रा का दूसरा प्रमुख कार्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापना है। मुद्रा लेखे की इकाई के रूप में मूल्य का मापदंड करती है। लेखे की इकाई से मतलब यह है कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है। वस्तु विनिमय की एक मुख्य कठिनाई यही थी कि यहाँ कोई भी मूल्य मापन का अभाव था, और मुद्रा के विकास के द्वारा हम इस कठिनाई को दूर कर पाते हैं। क्राउथर के अनुसार यह लेखे की इकाई का कार्य करती है। यह मूल्य के मापदंड अथवा प्रमाणिक मापक जिससे अन्य सभी वस्तुओं की तुलना कर सकती है, की जा सकती है, का कार्य करती है। तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य आंकने के पश्चात मुद्रा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच ऐसा अनुपात निर्धारित करती है जिसके आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का परस्पर विनिमय संभव होता है, और इस वजह से हिसाब किताब रखना, अकाउंटिंग करना भी सरल हो जाता है, और परिसंपत्तियों, दायित्वों, आय तथा व्यय की जो विभिन्न आइटम्स हैं उन सबको हम किसके रूप में अभिव्यक्त करते हैं, मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तो मुद्रा के दो जो प्राथमिक कार्य हैं वो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक है। दूसरा देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं मुद्रा के द्वितीय या सहायक या गौण कार्य। ये कार्य हैं वो देखिए, सबसे पहले मूल्य संग्रह। मूल्य संग्रह का मतलब है मूल्य का संचय। मुद्रा मूल्य के संचय के रूप में भी कार्य करती है। मुद्रा के मूल्य संचय से अभिप्राय है कि मुद्रा को वस्तुओं और सेवाओं के लिए खर्च करने का तुरंत कोई विचार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग किसके लिए, भविष्य के लिए बचाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, मूल्य संचय करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आप लोगों ने देखा मूल्य का संचय करना संभव नहीं था, क्योंकि वस्तुएं नाशवान होती थी, खराब हो जाती थी। अतः इस वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का संचय करना बहुत मुश्किल कार्य था, लेकिन मुद्रा के रूप में मूल्य का संचय का कार्य है वो सुलभ और सरल हो गया है। क्यों? क्योंकि मुद्रा को सब लोग स्वीकार कर लेते हैं, मुद्रा के मूल्य में अधिक कमी या वृद्धि नहीं होती है, और तीसरी चीज, मुद्रा का संचय आराम से किया जा सकता है। तो इसलिए इसे मूल्य संचय का कार्य है वो भी इम्पोर्टेंट है, और प्रोफेसर न्यूलन ने इसे मुद्रा का परिसंपत्ति कार्य भी कहा है। दूसरा जो कार्य है मुद्रा का गौण कार्य, वो है स्थगित भुगतानों का मांग। स्थगित भुगतान का मतलब क्या है? जिन लेन देनों का भुगतान हम तत्काल नहीं करके भविष्य के लिए स्थगित कर देते हैं उन्हें स्थगित भुगतान कहा जाता है। ऋणों के भुगतान को भी हम स्थगित भुगतान कहते हैं। मुद्रा के फलस्वरूप जो स्थगित भुगतानों का जो क्रिया है या उधार लेन देन की जो क्रिया है वो पहले की अपेक्षा सरल हो गई है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में किसी न किसी प्रकार से ऋणों के लेन देन की आवश्यकता रहती है। जब हम किसी से भी उधार लेते हैं तो हमें उसका मूलधन और ब्याज दोनों चुकाना पड़ता है।
तो मुद्रा स्थगित भुगतानों का कार्य इसलिए कर पाती है क्योंकि इसमें पहली चीज सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है, दूसरी चीज यह अन्य वस्तु की तुलना में अधिक टिकाऊ होती है, और तीसरी चीज इसके अंतर्गत मूल्य है वो स्थिर रहता है। तो ये इसका दूसरा कार्य है। तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण का मतलब क्या है कि मुद्रा के कारण मूल्य का हस्तांतरण आरामदायक हो गया है, सुविधाजनक हो गया है। आज मुद्रा में तरलता और सामान्य स्वीकृति का गुण होने के कारण इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित कर सकते हैं, और ये भी संभव है कि कोई व्यक्ति एक स्थान पर अपना मकान या संपत्ति बेचकर मुद्रा के माध्यम से दूसरे स्थान पर खरीद सके और बेच सके। इस प्रकार से मुद्रा की वजह से पूंजी को गतिशीलता मिली है, और जो लोग धन का उधार लेते देते हैं वो भी इस कार्य को मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये है मुद्रा के द्वितीय या सहायक कार्य। फिर हम लोग देखते हैं मुद्रा के आकस्मिक कार्य। प्रोफेसर किल्ले ने मुद्रा के आकस्मिक कार्यों को निम्नांकित रूप से बताया है। पहला बताया है साख का आधार। आप लोग को सबको मालूम है कि मुद्रा के प्रचलन से पूर्व साख का निर्माण संभव नहीं था। आज आप लोग सब चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र आदि जो भी साख पत्रों का उपयोग करते हैं उन सब का आधार क्या है? मुद्रा ही है। लोग अपनी आय में से कुछ राशि अर्थात मुद्रा बैंकों में जमा करा देते हैं, और इस जमा को वे चेक द्वारा मुद्रा के रूप में निकाल सकते हैं, और इस जमा राशि के आधार पर ही बैंक क्या करते हैं? साख का निर्माण करते हैं। दूसरी चीज आप देखिए, राष्ट्रीय आय की वितरण का आधार। आप लोग जानते हैं कि आजकल उत्पादन के सभी साधनों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम होता है। अब प्रत्येक साधन को इसकी योगदान के आधार पर पेमेंट करना होता है, तो वो पेमेंट हम किसके आधार पर करते हैं? मुद्रा के आधार पर। तो मुद्रा की प्रचलन के कारण राष्ट्रीय आय का वितरण बड़ा सरल हो गया है। आज प्रत्येक साधन को उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका उचित भाग मुद्रा के रूप में मिल जाता है। तो राष्ट्रीय आय का वितरण जैसे लगान, मजदूरी, लाभ और ब्याज, ये सब मुद्रा के रूप में किए जाता है। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं और उत्पादकों द्वारा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। आप लोग देखते हैं कि हमारे साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं अनंत हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि साधनों का सर्वोत्तम या अनुकूलतम उपयोग किया जाए ताकि अधिकतम संतुष्टि मिल सके, अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। तो एक उपभोक्ता या एक उत्पादक सीमांत के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को अधिकतम संतुष्ट कर सकता है या उत्पादक लाभ अधिकतम कर सकता है। तो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त कर सकता है जबकि उन वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उनका अनुपात उनकी कीमत के अनुपात के बराबर हो। तो ये सीमांत उपयोगिता का अनुपात कीमतों के अनुपात के बराबर हो, तो हम लोग कीमतों को किस में अभिव्यक्त करते हैं? मुद्रा में अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब जो उपभोक्ताओं द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है वो केवल मुद्रा के माध्यम से ही की जा सकती है। इसी प्रकार से एक उत्पादक को कब लाभ होगा? जब सभी साधनों से प्राप्त होने वाली सीमांत उत्पादकता उन वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर हो जाए। अब ये भी संभव है, ये तभी संभव है जब हम जो साधनों की कीमत है उनको हम मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त करें, और मुद्रा के माध्यम से ही ये संभव है। नेक्स्ट है धन को तरलता प्रदान करना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुद्रा सबसे अधिक तरल परिसंपत्ति है। इसको बिना किसी विलंब के, बिना किसी लोस के हम आसानी से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जो हम धन को तरलता मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है? मुद्रा के रूप में, मुद्रा के कारण ही मिलती है। जैसे हम मकान, दुकान या भूमि इत्यादि को पूंजी के रूप में, पूंजी को लेने से मना कर सकते हैं, लेकिन मुद्रा को कोई भी लेने से मना नहीं कर सकते हैं। तो पूंजी की तरलता या मुद्रा के रूप में मांग रहती है तीन उद्देश्यों के कारण, सौदा उद्देश्य, सुरक्षा उद्देश्य और सत्ता उद्देश्य। इनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे।
तो मैंने आज आप लोगों को मुद्रा के इन विभिन्न कार्यों के बारे में बताया है। तीन प्रकार के मुख्य कार्य बताए हैं, प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य और आकस्मिक कार्य। अब अगली बार हम लोग मुद्रा के महत्व के बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।